अस्सलाम वालेकुम। आर्मी आपको फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग की जॉब्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी और आपको बताऊंगी आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में सर्च करेंगे डेली न्यूज़ जॉब्स टूडे डॉट ब्लॉग पॉट डॉट कॉम, और इन कलर का लिंक आया इसी पर हमने क्लिक किया। अब मैं डेली न्यूज़ जॉब्स टूडे की वेबसाइट पर पहुँच चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लाटेस्ट जॉब्स के बारे में किस तरह इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, उसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं और आप इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हर जॉब्स की अप टू डेट के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग में 280 वैकेंसीज आई हैं। परमानेंट जॉब है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसकी 25,000 से 40,000 पर मंथ है। अब मैं आपको बताती हूँ क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा किया हो, बीएससी की हो एग्रीकल्चर में, और डोर्न कैमरे के अंदर एफए किया हो या बैचलर किया हो, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है फ्लाइट प्लानिंग सॉफ्टवेयर में। इसके बाद इंस्पेक्टर में सेकेंड क्लास ग्रेजुएट किया हो, बिल्डिंग के अंदर क्वालिफिकेशन DAE हो, असिस्टेंट के अंदर सेकंड क्लास या बैचलर डिग्री हो, इसके बाद सेंटो टाइप में एफए किया हो या बैचलर किया हो, इसके बाद शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी आनी ज़रूरी है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल में FSC इंजीनियरिंग में की हो, इसके बाद सब इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो, सिविल में सुपरवाइज़र में सेकंड क्लास हो या बैचलर किया हो, इसके बाद डाटा एंट्री में एफए या बीए किया हो, और यूडीसी में इंटरमीडिएट किया हो, जूनियर ड्राफ्ट मैन इसके लिए मैट्रिक, एसआर सर्वर में इंटरमीडिएट किया हो, और इसके बाद एलडीसी में मैट्रिक किया हो, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में मैट्रिक किया हो, इसके बाद ड्राइवर में मिडल पास हो, और DMO में मैट्रिक पास, वायरमैन के लिए मिडल किया हो, और ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए भी मिडल और प्लम्बर के लिए भी मिडल, और रिविलेंट कोई भी डिप्लोमा किया हो, कारपेंटर के लिए भी मिडल पास हो, नायब कासिद के लिए भी मिडल पास, और हेल्पर के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, मालिक के लिए भी ज़रूरत नहीं है पढ़ाई की और सिक्योरिटी के लिए भी। अब मैं आपको बताती हूँ आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। आप इसी वेबसाइट पे लास्ट पे विज़िट कीजिएगा, और लास्ट पे यहाँ क्लिक हेयर इसी पे क्लिक हेयर कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। आप इसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप नेम फादर नेम और जेंडर वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ से सेव और प्रिंट करेंगे, और यहाँ से आप अपनी CV अटैच करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।